ये मर्द खरहानी में बैठे ला दिल को हो आए हमानी के तो कोट पैंट सब लेटा देते मर्द आए। ए मैडम आप यही गांव के हैं कि परिवार हैं? हम यही गांव के रही चाहे कोई और, तोरा की मतलब हो? मतलब नहीं है, सुनिए बताते हैं। नाश्ता के कहाँ व्यवस्था है, पागल हूँ क्या देखी हंसता है। अरे नाश्ता के कहाँ व्यवस्था है, पागल हूँ क्या देखी हंसता है। नाही सामियाना कुर्सी बैठे के व्यवस्था, भूखल पेट में चूहा कूदे दिया नहीं ना सता। ए मैडम बड़ी कस के भूख लगले मैडम। तू लेनी दहेज तो हम देबो नहीं खाना, ओछ पर तो ढेला में जब लग तो पाए आज पता चलल दहेज ली हल पाप हो, दुल्हन ही दहेज है भैया कहत साफ हो। अच्छा आगे नहीं उठ पहाड़ के नीचे, तो राजस दहेज लोभी के ये हो लसाजा, राज राजधानी दहेज में कैसन मिलल माजा। माफ कर दो अब से ऐसन हो सबके खाना पीना का व्यवस्था नहीं कलियो है। जब आप लोग हम सबको परिवार नहीं समझे, अब ऊपर से शादी से पहले पाई पाई दहेज मांग लिए, तो आपका सेवा क्या करें हम?
खीखी तो कह रही है यह महिला, आप लोग के दहेज के कारण कितना बेटी का घर उजड़ गया है बसने से पहले। तो आप लोग कहते हैं शादी में आते तो कि खाना नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया, टेंट नहीं किया, पंडाल नहीं किया, कुर्सी नहीं किया। आप लोग पाई पाई शादी से पहले चुकता दहेज मांग लेते हैं और ऊपर से जब यहाँ आते हैं बारात में तो पूरा फैसिलिटी खोजते हैं। आप ही बताइए कि एक बेटी के बाप पूरा दहेज भी दे देता है और ऊपर से फैसिलिटी भी खोजते हैं, क्या आप लोग समझ के रखे हैं? आप ही बताइए कि कैसे एक बेटी का बाप आप लोग को सेवा करेगा, बताइए। मुझे माफ कर दीजिए संधि साहब, दहेज का महत्व मुझे आज समझ में आया।